नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लखनऊ कोर्ट में हुए हमले के बाद सियासत काफी जोरों पर है। सपा और बसपा योगी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है। गुरुवार सुबह योगी आदित्यनाथ केजीएमयू अस्पताल में अधिकारियों के साथ बच्ची से मिले, जो इस घटना में घायल हो गई थी, और तमाम तरह की सहायता देने की बात कही। वहीं इस पूरे घटना पर एसआईटी की जांच की जा रही है और देखा जा रहा है कि जांच लगातार जारी है, इसी पर करेंगे चर्चा। और आपको बता दें, मायावती अखिलेश ने इस लॉ एंड ऑर्डर पर तमाम सवाल उठाए हैं। बीजेपी बोली है कि लखनऊ शूटआउट के पीछे हो सकता है विपक्ष। बीजेपी का यह भी कहना है कि इस पर विपक्ष हो सकता है। लखनऊ शूटआउट पर जबरदस्त सियासत उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। और आपको बता दें, विपक्ष के रडार पर योगी सरकार आ गई है। तमाम तरह के सवाल विपक्ष कर रहा है। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवाल योगी सरकार पर किए थे। भरे कोर्ट में गैंगस्टर के मर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ये कहा जा रहा है कि राम राज्य की क्या परिभाषा यही। लखनऊ कोर्ट की घटना पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है और कोर्ट में गोली मारकर हुई थी संजीव जीवा की हत्या। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और लगातार ये देखा जा रहा है कि घटना के बाद वहां के जो इलाके का जो कोर्ट के वहां की सुरक्षा काफी टाइट कर दी गई है। और हत्याकांड में घायल हुई बच्ची से आज सीएम योगी आदित्यनाथ केजीएमसी में मिले हैं, लगातार पूरी नजर बनाए हुए हैं और कहा कि हर संभव हम मदद इस परिवार को करेंगे और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो लखनऊ कोर्ट में हुए गोलीकांड के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं योगी आदित्यनाथ। और विपक्ष लगातार तमाम सवाल कर रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। मायावती ने ट्वीट किया। मायावती ने कहा कि कोर्ट परिसर में हुए सनसनीखेज गोलीकांड में खुलेआम हुई हत्या यूपी में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार के लिए बड़ी चुनौती। ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत, सरकार सख्त कदम उठाए, बीएसपी की ये मांग। तो लखनऊ कोर्ट परिसर में हुए सनसनीखेज गोलीकांड में खुलेआम हुई हत्या और मायावती ने ट्वीट किया है। लगातार इस पर देखा जा रहा है कि विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। सोसाइटी का गठन कर दिया है और टीम ने इस पर काम शुरू भी कर दिया है। दिन दहाड़े वो भी कोर्ट परिसर में, वो भी जज के सामने ही कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की हाथावर तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस वारदात में घायल हुए पुलिसकर्मी और छोटी बच्ची का इलाज लखनऊ के केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। लेकिन अधिकारियों के साथ गुरुवार सुबह उस बच्ची का हालचाल जानने पहुंचे और सरकार के हर संभव मदद देने की बात कही है। कोर्ट परिसर में हुए संजीव जीवा हत्याकांड के बाद से यूपी सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि क्या अब यूपी में बस ठोको मॉडल चलेगा? सवाल ये कि क्या ऐसे ही शूटआउट चलेगा? पहले अतीक अशरफ और उसके बाद संजीव जीवा। डेढ़ महीने के भीतर इन घटनाओं से मानो सियासी भूचाल भी आ गया है। मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक राज्य की सरकार पर सियासी सवाल पूछ रहे हैं। मायावती का ट्वीट किया है। लखनऊ कोर्ट परिसर में हुए सनसनीखेज गोलीकांड में खुलेआम हुई हत्या यूपी में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार के लिए बड़ी चुनौती। ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत, सरकार सख्त कदम उठाए, बीएसपी की ये मांग। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर योगी सरकार पर करारा हमला किया था। देखिए, आप भी वही पूछ रहे हैं
अगर समाजवादी पार्टी कुछ कह देगी तो कहेंगे कि समाजवादियों ने मरवा दिया। बहुत धन्यवाद आपका। ये बात आप समझते हो इसलिए मुझे बोलना नहीं है। वहीं इस घटना के पीछे बीजेपी विपक्ष का हाथ बता रही है। बीजेपी का कहना है कि शूटआउट के पीछे विपक्ष का हाथ है। बीजेपी सांसद का कहना है कि राज्य सरकार की छवि धूमिल करने के लिए शूटआउट विपक्ष द्वारा कराया गया हो। लखनऊ कोर्ट में हुई घटना पर पक्ष विपक्ष की जुबानी जंग तेज है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अगर हमला ऐसी जगह पर होंगे जहां पर जाने के लिए कड़े प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, उसके बाद भी हमलावर उन सभी प्रोटोकॉल को तोड़कर घटना को अंजाम देते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो लखनऊ कोर्ट में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, हुए घटनाक्रम के बाद लगातार सियासत काफी गर्म दिखाई दे रही है। चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, लगातार योगी सरकार को घेर रही है और उत्तर प्रदेश में जो इस प्रकार का घटनाक्रम देखा जा रहा है उस पर सवाल उठा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ पवन गोयल, नेता बीजेपी, और हमारे साथ मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले पवन जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। पहले अतीक अशरफ, अब संजीव जीवा, क्या उत्तर प्रदेश में रामराज की यही परिभाषा है? जी, मैं आपके सवाल से बिल्कुल सहमत हूँ। जो इस तरीके से हादसे होते हैं, ये तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, जिस तरीके से ये मर्डर्स होते हैं, उससे सरकार की छवि पे और कानून प्रक्रिया पे निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले उत्तर प्रदेश में 6 साल से और पिछले 10 साल से या पिछले 20 साल से कैसी कानून व्यवस्था है। ठीक है, इसकी इस मामले की जांच हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री से SIT की कमेटी बिठाई है, क्योंकि इसके अंदर जो भी कारण है सब जनता के सामने जरूर लाए जाएंगे। इसमें किसका हाथ है, जो भी शक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धूमिल करने के लिए रचा गया है। लेकिन मैं आपके सामने दावे से कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर तरह की इस तरह की आतंक गतिविधियों से लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, इसकी जांच रहेगी और आपके सामने ही सबूत लाए जाएंगे कि इसमें किसका हाथ था और किसका नहीं था। लेकिन मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी की सरकार में और मायावती जी की सरकार में किस तरीके से रेप के मामले होते थे, किस तरह जैसे मुठभेड़ की घटना होती थी, किस तरह FIR दर्ज होती थी। जी, तो मामलों की तुलना करें तो कम से कम 300% की कमी उत्तर प्रदेश में आई है, जिसकी वजह से माननीय योगीनाथ जी की सरकार को दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यवस्था, कानून की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खराब है। जिस तरीके से चाल चली जा रही है, इसमें विपक्ष जाहिर सी तौर है सफल नहीं होगा। आपके सामने जांच हो रही है, आंकड़े जरूर सामने है। जी जी पवन जी, जिस प्रकार से आपका कहना है कि जांच हो रही है, लगातार आप इस पर सवाल खड़े करें, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अभिषेक वाजपेयी जी भी हैं। वाजपेयी जी, जवाब दीजिए। उनका कहना है कि लगातार प्रदेश में काम किया जा रहा है, सरकार काफी सजग है और इस प्रकार की कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, और आपकी सरकार और देखा जा रहा है कि बसपा की सरकार के डेटा बता रहे हैं। धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज की भी हमारे भाई पवन जी ने माना कि काम किया जा रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, काम तो हो रहा है। और काम ये हो रहा है कि इनके सांसद जो है वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, सरेआम पीट रहे हैं, तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया काम हो रहा है। एक पीड़िता के पिता को न्याय नहीं मिल रहा है, वो थाने के सामने पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल करके आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल काम हो रहा है। सुरक्षा में चूक, आप ये देखिए कि एक अदालत में जहां पे न्याय के लिए सब लोग गुहार लगाने जाते हैं, वहां पे पुलिस वालों की जान को खतरा, जो जज है उनकी जान को खतरा, जो हमारे वकील अधिवक्ता भाई है उनकी जान को खतरा, इतने बड़ा चूक है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये इसको काम कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और काम तो सबसे बड़ी ये हो रहा है कि भाजपा से लेकर के गोरखपुर तक में एक नहीं कई सारी जगह पे, पहले भी डिबेटों में कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन कब्जाने से लेकर के हत्या के आरोप तक उनके ऊपर लगे हैं, और स्वयं नौकरी दिलाने के खाते को भी लेकर के कितने सारे आरोप लगे। तो बिल्कुल काम हो रहा है, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है, काम बिल्कुल चल रहा है सरकार में, इसके लिए मैं बड़ा
आभार व्यक्त करता हूं पवन जी का कि इन्होंने कहा कि काम हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो आज का टॉपिक है, देखिए हम सबको ये बात समझना पड़ेगा, जो सरकार जिस दावे को करती है कि जो कानून व्यवस्था चुस्त है दुरुस्त है तो उसके ऊपर सवालिया निशान ऑटोमेटिकली इस तरीके से लग जाते हैं। जहां पे एक सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए थी पुलिस वालों की, आपने देखा कि किस तरीके से सुरक्षा हुई और कैसे लोगों की सुरक्षा हुई या किसी से छुपा हुआ नहीं, कानून व्यवस्था के नाम पे सिर्फ भाग के तीन पांच समझ में आते हैं, इसके अलावा कोई भी इनके पास काम नहीं है क्योंकि इनके पास कोई भी चीज गिराने को लेकर के नहीं है, बस ये अपनी पीठ झूठी पीठ थपथपाना चाहते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई भी काम नहीं है। किसी भी जगह पे अगर आप देख लेंगे क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपराधियों की शरणस्थली बनी हुई है। सुनील मुझे ये बताइए अभिषेक जी, आपको इतना अफसोस क्यों है अगर अपराधियों पर इतनी कार्रवाई होती है, आप इतना अफसोस क्यों करते हैं? सुनील भाई शायद आपने सुना नहीं, मैंने सुना अभिषेक जी आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं मुझे लगता है आपको मेरे किस बयान से लगा कि हमें अपराधियों के खिलाफ सहानुभूति है, मेरे किस बयान से आपको लगा? नहीं आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं, नहीं आप जिस प्रकार से अभिषेक जी एक सेकंड अभिषेक, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अगर अपराधियों पर कोई कार्रवाई होती है तो ये तो ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा है प्रदेश में। आप ये बताइए एक मिनट, आप ये बताइए आपकी सरकार में अपराधियों, आपकी सरकार में माफियों पर अपराधियों पर कितनी कार्रवाई हुई? सुनील जी आप जैसा अगर वरिष्ठ पत्रकार ये बात बोल रहा है इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान होता है कि अपराधियों के, चलिए ठीक है आप ये बताइए आपकी, ठीक है अभिषेक जी आप ये बताइए आपकी सरकार में, अभिषेक जी आप ये बताइए आपकी सरकार में अपराधियों पर कितनी कार्रवाई हुई, माफियाओं पर कितनी कार्रवाई दी, माफियाओं को अपराधियों को टिकट कौन देता था? समर्थन करते हैं एक कोर्ट में जो हत्या हुई है आप उसका समर्थन करते हैं, आपका बयान तो यही बता रहा नहीं मैं कोई समर्थन नहीं करता, ये तो आपने समझने की बात है, कैसी बात आप कर रहे हैं कैसी सर, नहीं अभिषेक जी आप ही गलत बोल रहे हैं, मैं कोई समर्थन नहीं करता, जो गलत है वो गलत है, मैं सवाल पवन जी से भी लूंगा, ये आपके सोचने का तरीका होगा पवन जी, ये अभिषेक जी पवन जी जवाब दीजिए मैं मनीष जी के पास जाऊंगा, पवन जी जवाब दीजिए। वास्तविक साहब ना सब सुनने पर थोड़ा सा नाराज हो गए, जब इनके सरकार के अंदर खुलेआम, मैं आपको एक एग्जांपल उदाहरण बताता हूँ इनकी सरकार का, जब समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी ने ही अल्ती के अहमद को सांसद का टिकट दिया था, ये कोई छुपा हुआ नहीं है, पूरे भारत को पता है। दूसरी बात, जब उनके ऊपर क्रिमिनल केस के ऊपर कार्रवाई हो रही थी तो 10 जजों की बेंचों ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए मना कर दिया था, इतने भावबली सांसद, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति, 79 से जो हिस्ट्री शूटर रहा हो, इनकी सरकार से पनपा और राजा बना। आप ये देख सकते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी से उनकी नीति विधायक थी और इनकी पार्टी से सांसद, कैसे अखिलेश यादव जी उनसे गले मिले थे और कैसे मुलायम यादव जी उनके कुत्ते से हाथ मिला रहे थे, ये पहला एग्जाम्पल नहीं है। कानून प्रक्रिया इतनी खराब थी जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार को चुना, पहले कभी जेसीबी का आपने ये नहीं देखा होगा, पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो जो आतंकवादी घटना करेगा उसी से उसका वसूला जाएगा, जो माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसी पे एफआईआर दर्ज होगी, पहले ये सरकार गुंडों की सरकार थी, गुंडों को पालती पोसती। अभिषेक जी जवाब दीजिए, अभिषेक जी थोड़ा सा मैं मनीष जी के पास जाता हूं, मैं मुझे लगता है सुनील जी कि हमारे भाई पवन जी को ये आज का पेपर है बृहस्पतिवार का 8 जून 2020, इस बात को भी पढ़ लेना चाहिए, बाकायदा पेपर में लिखा हुआ वसूली से परेशान होकर के बाल विकास सेविकाओं ने पुष्टाहार विभाग के बाकायदा 11 लोगों ने इस्तीफा दे दिया हुआ है। सर मैं डिबेट किस बात पे कर रहा हूँ, आप किस टॉपिक को घुमा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ कांड पे, आप दिखा रहे हैं कि उनकी सरकार में क्या हुआ कैसे हुआ, आप इस टॉपिक पे आप इसको नहीं डाइवर्ट मत कीजिए सर, डाइवर्ट मत कीजिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप दिखा रहे हैं कि उनकी सरकार के सांसद क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा हुआ है। अरे ठीक है लेकिन सर जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ना डिस्कशन इस पर होना चाहिए। सुन लीजिए, अरे मैं आप ही के पेपर की बात कर रहा हूँ, पत्रकार आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, दरिंदगी की शिकार बिटिया का तीसरे दिन भी नहीं हो रहा है अंतिम संस्कार, क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल रहा है, और कौन कौन सी बातें करूं, तीसरी हेडिंग इसी जगह पे
बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तंग आकर के एक पेट्रोल पंप के मालिक ने पवन जी, फिर मैं मनीष जी के पास जाना है, जवाब दीजिए फटाफट आप। मैं बिल्कुल वाजपेयी साहब भूल रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार ने पूरे भारत के अंदर रिकॉर्ड बनाया था, 1,072,000 मुकदमे इनकी सरकार में दर्ज हुए थे। ये तो 1, 2, 3 अखबार के पेज दिखा रहे हैं, 72,000 मुकदमे थे। वो अखबार दिखाएंगे, वो अखबार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसके अंदर सरकार बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल डरा जाए थी। जनता ट्राई ट्राई करती थी, इन्वेस्टर आते नहीं थे। 10 लाख करोड़ का जत्था बजट, 10 लाख करोड़ का बजट था, आज 21 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट है। सिर्फ इसी वजह से कई देशों से एमओए साइन हुए जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है। पहले कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी। 72,000 का मुकदमे का रिपोर्ट आप वाजपेयी जी की, आप जो पवन जी, पवन जी, पवन जी, पवन जी, एक मिनट पवन जी, पवन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कानून व्यवस्था बहुत ठीक, आप माफियाओं पे काम कर रहे हैं, बताइए शाइस्ता मुझे कहाँ है, गुड्डू बमबास कहाँ है जी, जवाब दीजिए। आप ही बोल रहे हैं ना कि कानून व्यवस्था ठीक हुई है, माफियाओं पे काम हो रहा है, तो बताइए शाइस्ता कहाँ है, इतना टाइम हो गया, लुकआउट नोटिस जारी है, इनाम घोषित किया गया है। देखिए सुनील जी, पहले ये बात हो रही थी कि इनके तार विदेशों से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा विदेशों का सरकार खोज दिया है ना, ये आप लोग जवाब नहीं देते, बात को घुमा देते हैं। मनीष जी बताइए जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो हो रहा है, मनीष जी मैं मनीष जी के पास जाऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, वाजपेयी जी आपके पास आऊंगा, अभिषेक जी आपके पास आऊंगा, गोयल साहब आपके पास भी आऊंगा। मनीष जी मुझे बताइए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या ये कानून संगत है, आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए सुनील जी, अगर मैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के आरोपों की बात करूं तो सैद्धांतिक तौर पर तो वो गलत नहीं कह रहे। वो अगर ये कह रहे हैं कि भाई मुठभेड़ करने का काम तो पुलिस का है, अगर बाहर से गुंडे आके अगर मुठभेड़ करके गुंडों को मारेंगे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, उनके कहने का मतलब है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, और ये तो सच है कि भाई गुंडों ने हत्या की। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे भी कोई नेता नगरी का कोई सज्जन पुरुष शामिल हो जिसको लगता है इस गुंडे को मार दो, संजीव जीवा को मार दो, नहीं तो हमारे राज खोल देगा, है ना। नहीं तो नहीं, इसमें गैप है। मुझे इस बात का डर है कि संजीव जीवा की हत्या जिसने की, उसको उसकी हत्या से कुछ लाभ होने वाला था क्या। हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर समाजवादी पार्टी के आरोप अगर सही हैं तो क्या भाजपा के आरोप सही नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि भाई उन गुंडों को गुंडा बनाया किसने, इन गुंडों को प्रश्रय किसने दिया, वही सवाल तो मैंने अभिषेक जी से किया था, वही सवाल मैंने किया था कि इनका साम्राज्य किसने बनाया, इनको टिकट कौन देता था। मनीष भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा, मैं आऊंगा अभिषेक जी आपके पास आऊंगा जी। मनीष जी बोलिए, तो मेरा कहना यह है, मानो संजीव जीवा ने करोड़ों रुपए कमा लिए, बीसीयू मामलों में दर्ज था, लेकिन किसी सरकार ने इसको जेल भेजने की हिम्मत नहीं की, बल्कि जिन सरकारों ने ऐसे गुंडों को प्रश्रय दिया, उनको दूध मलाई खिलाई, उनको बचाए रखा, सुप्रीम कोर्ट में खर्च किया, वो कांग्रेस इस समाजवादी पार्टी की पार्टनर सरकार थी जब हमने मिलकर चुनाव लड़ा। मनीष जी मैं कुछ थोड़ा सा एडिट करना चाहता हूँ। मनीष जी, 30-30 साल तक पेश नहीं होते थे गुंडे, और की सरकार में जो सवाल उठा रहे हैं, 30-30 साल तक पेश नहीं होते थे, वकील बदल दिए जाते थे, जज बदल दिए जाते थे, और सबसे बड़ी बात तो सर ये है मनीष जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओरिजिनल जो कॉपी होती थी डॉक्यूमेंट्स की, वो तक गायब कर दी जाती थी। बिल्कुल, अरे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होती थी कि इस गुंडे को यहां बचाएंगे हम, वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सपोर्ट करती थी। अब देखिए, जिस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का टाई अप है, उसके टिकट पर उसकी बीवी चुनाव लड़ती है, राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ती है। अब बताइए, क्या हम ये क्यों ना माना जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप कि संजीव जीवा को प्रमोट करने में कुछ नेताओं का हाथ है जो कि विपक्षी नेता है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर तिल मिला रही है तो तिल मिलाने का कोई कारण होगा।
अभिषेक जी बिल्कुल मैं जवाब लेता हूँ अभिषेक जी से। अभिषेक जी क्यों तिल मिलाते हैं आप संजीव जीवा की मौत के बाद? बिल्कुल सबसे बड़ी चीज की बात को भी मुझे लगता है कि अगर मलिक भाई इस बात को भी ढूंढ देते कि विनीत सिंह की उपज कौन सी पार्टी से हुई थी इसके बारे में भी इनको बता देते तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज होती। मैंने इससे पहले भी अपने वक्तव्य में इस बात को मैंने उठाया था कि बागपत को वो कौन सा नेता था भारतीय जनता पार्टी का जिसने ध्रुव नाम के व्यक्ति की जमीन कब्जा ली थी, या मुझे लगता कि मनीष जी को इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहिए था कि अयोध्या के मेयर के ऊपर जमीन हथियाने के आरोप क्यों लगे थे, और मुझे लगता है कि इस बात को भी मनीष जी को बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वो कौन सा भारतीय जनता पार्टी का विधायक था जो अवैध बिल्डिंग को जब गिराया जा रहा था एलडीए का दस्ता गया था तो उसको क्यों एलडीए दस्ते को बैरंग वापस लौटना पड़ा था। मुझे लगता है सुनील भाई को इस बात के बारे में बताना चाहिए था, और इनको ये बात भी बतानी चाहिए थी कि पिंटू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के चाहते शायद लाडले हैं उनके ऊपर आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई। और मुझे लगता है कि शायद एक चीज भूल गए मनीष भाई इस बात को भी कि जो कानपुर की घटना हुई थी जिसमें दो महिलाओं को एक आदेश के बाद जिंदा जला दिया गया था घर गिराने के बाद उसके बारे में एसआईटी बैठी थी उसका क्या हुआ। मुझे पता है कि मनीष जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, लेकिन उसको जब उन्होंने बात कही तो बात कहने के बाद उसका तर्क क्या निकाला था कि उन्होंने मनीष जी फिर मैं पवन जी के पास जाता हूँ। मनीष जी सैद्धांतिक आधार लेकिन उन्होंने इस बात पर समर्थन कर दिया कि जी मनीष जी जवाब दीजिए फिर मैं पवन जी के पास जाता हूँ। चुप हो जाए तो जवाब दो जी अभिषेक जी। मनीष जी इन राजनीतिक नेताओं की टक्कर में एक तरफ समाजवादी पार्टी का पत्थर है एक तरफ भाजपा का पत्थर है, हम और आप जैसे पत्रकार तो पिस ही जाएंगे नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी आरोप लगाएगी आज हमने समाजवादी पार्टी से कुछ चुभते हुए प्रश्न पूछ लिए तो इनके 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 इनको जलन हो रही है परेशानी हो रही है। मुझे क्यों अरे मैं जवाब अरे आपका लोकदल पार्टी से अरे मैं जवाब देता हूँ तो मैं उसका जवाब देता मैं उधर मैं जवाब दूं मैं जवाब देता हूं जी। तो मनीष जी बोलिए मुझे पवन जी के पास जाना है। इस मुद्दे पे क्या है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और चार पांच आंकड़े लाकर बात को और डिस्कशन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडों को जिस तरीके से प्रश्रय मिला गुंडों ने जिस तरीके से माफियाबाजी करके सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए मुझे तो ये जानना है कि उसमें से किस किस को क्या हिस्सा मिला। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि नेताओं की तो बात छोड़ दूं क्यों ब्यूरोक्रेट्स को इतना इतना सपोर्ट किया गया जिससे कि वो लोग पैसा इकट्ठा करते रहे। ये भ्रष्टाचार की काली कमाई में कहीं नेताओं को हिस्सा तो नहीं मिला मुझे जानना है। और कैसे गुंडों को प्रमोट करने का काम विभिन्न राजनीतिक दल करते रहे जिसमें भाजपा भी शामिल है तो क्यों उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। अब अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं को पकड़ा जा रहा है भाजपा अपने नेताओं को नहीं पकड़ रही है तो इससे दो बात तो क्लियर होती है समाजवादी पार्टी के आरोप में दम दिखती है और लगता है कि हाँ भाई समाजवादी पार्टी के गुंडे पकड़े जा रहे हैं भाजपा के गुंडे नहीं पकड़े जा रहे हैं ठीक लगती है मेरे को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समाजवादी पार्टी एक्सक्यूज मांग नहीं सकती कि आप हमारे गुंडों को छोड़ दो। अरे भाई अगर गुंडों की हत्या हो रही है तो जिन्होंने ठीक है मैं पवन जी के पास जाता हूँ। पवन जी जी जवाब दीजिए जिस प्रकार से तमाम आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं जिस प्रकार से कहना है अभिषेक जी का मैं बात करना चाहूं मनीष जी का कि आप लोग भी कहीं ना कहीं गुंडों को संरक्षण देते और अभिषेक जी ने तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिषेक जी मेरे उस बात को गोलमोल कर गए कि इनके साल में रिकॉर्ड बना था पूरे वर्ल्ड का भी 72,000 मुकदमे एक साल में हुए थे इसलिए ज्यादा किसी सरकार से ठीक है नहीं बताया कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ सुनील जी जब उत्तर प्रदेश की जनता को पहले कानून का गुंडा राज मिल रहा था ना वही कारण था कि इनको कैसे निकाल के बाहर फेंक दिया था उत्तर प्रदेश की जनता ने जैसे चाइना में थी। आज उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरीके से सड़कें मिली कानून व्यवस्था मिले हाईवे मिले पांच शहरों के लिए मेट्रो प्रस्तावित की थी सिर्फ इन्होंने सिर्फ फाइलों पर साइन की थी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में जिस तरीके से मेट्रो दी वैक्सीन लगाई डबल डोज लगवाई उसके बाद जनधन योजना खाते खोले गए उसके बाद उन्हें पीएम आवास योजना से घर मिले
शौचालय मिले, सिलेंडर मिले, चूल्हा मिले, नौकरियां मिली, एमओयू साइन हुए और प्रदेशों से और देशों से, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा मिला। ये सारे कारण थे जिसकी वजह से मेयर के चुनाव के अंदर भी 17 की 17। लेकिन पवन जी मानना पड़ेगा ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, जिस प्रकार से देखा जाए जज के सामने गोली मार दी जाती है। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ सुनील जी, जो इस तरह का वाक्य होना चाहिए था जो हो गया, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। अभिषेक जी फाइनल कमेंट आपका, अभिषेक जी तो मैं ये चाहता हूँ उस पर कार्रवाई चल रही है, उसकी जांच भी आप लोगों के सामने जाएगा। माननीय योगी जी ने सुनील जी, जब अभी आपने मुझे कहा कि टॉपिक से हट करके आप दूसरी बात कर, अब जैसे जब बात आ गई है तो दूर तलक जाएगी। जब मेट्रो की इन्होंने 10 मेट्रो की बात करी और पता नहीं क्या क्या कह डाले, एमओयू सिग्नेचर हुए मेट्रो, मुझे लगता है कि इनको शायद याद होगा कि अगर अखिलेश यादव जी लेकर के आए थे। और आपको याद दिला दूं कि 1.5 बीघा जमीन में सोलर प्लांट आज भी राह देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको वापस जीवित करे, करोड़ रुपए लगने के बाद उसे भारतीय जनता पार्टी से इस बात पर संज्ञान नहीं लिया। 37,000 करोड़ रुपए जी पवन जी अखिलेश यादव जी ने पास किए तो उनका क्या हुआ। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग वो लोग हैं जो एम्बुलेंस को 51 एम्बुलेंस की पेट्रोल का पैसा अपनी जेब में रखते हैं, जो कि सिर्फ कागजों पर आप लोगों ने चलवाई, लोगों के सहूलियत तक पहुंची नहीं। उसके बाद अभी आप लोगों ने बात कही, आपको याद दिला दूं कि पवन जी आपका मैं शौक से तो खनन की जब बात कर रहे हैं, बोलिए आप बोलिए। कुछ दिन पहले पिछले महीने के पेपर में निकला हुआ था, आप समाजवादी पार्टी से बात करेंगे तो आपकी 13 बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभिषेक वाजपेयी जी आपका, पवन गोयल जी आपका और मनीष गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का, जिस प्रकार से लखनऊ कोर्ट में हुआ उसके बाद विपक्ष कहीं ना कहीं योगी सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है, सियासत इस पर देखी जा रही है। लेकिन अगर योगी सरकार माफियाओं गुंडों पर लगातार काम कर रही है तो उसके बाद अगर देखा जाए शायस्ता और गुंडू बमबाज आखिर कहां है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।